नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। सुबह के 8 बज गए हैं, वक्त है 8 की बात का। शुरुआत करते हैं गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर पर हुए हमले से। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में हुए हमले के मास्टरमाइंड मुर्तजा को लेकर रोज नए नए और चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। इससे पूछताछ में जांच एजेंसियां लगातार जुटी हुई हैं और आज भी एटीएस की टीम मुर्तजा से पूछताछ करेगी। आज मुर्तजा की पुलिस रिमांड का दूसरा दिन है और आज एटीएस की टीम मुर्तजा को कई दूसरे जगहों पर भी लेकर के जाएगी। रिमांड के पहले दिन टीम सिद्धार्थ नगर पहुंची थी। मुर्तजा के घर पर सर्च ऑपरेशन चला था। आपको बता दें कि मुर्तजा के कमरे से कई संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं, साथ ही साथ मुर्तजा के घर से एक संदिग्ध हिरासत में भी लिया गया है। और इतना ही नहीं बल्कि मुर्तजा के घर आने जाने पर अब प्रतिबंध लगा हुआ है। मुर्तजा के लैपटॉप में कई संदिग्ध चीजें मिली हैं, ये भी कहा जा रहा है। लैपटॉप में मेहमान नाम का फोल्डर मिला हुआ है, बैग से अरबी भाषा की मजहबी किताब मिली है और जाकिर नाइक के कई वीडियो भी मिले हुए हैं। बताया ये जा रहा है कि मुर्तजा नेपाल के कई संदिग्धों से चैटिंग भी करता था। अब हर एक तार को जोड़ा जाएगा, कड़ी से कड़ी जोड़ करके जो जांच एजेंसियां हैं वो आगे बढ़ेंगी और फिर देखिए कहां पर जाकर के पूरा खुलासा होता है, उस पर लगातार नजर रहेगी। अब देखिए हसिया वाले की जिहादी हिस्ट्री क्या है वो आपको तफसील से हम बताते हैं। आज मुर्तजा के रिमांड का दूसरा दिन है और रिमांड के पहले दिन सिद्धार्थ नगर टीम पहुंची थी। कई दूसरी जगहों पर भी मुर्तजा को लेकर के एटीएस की टीम जाएगी, ऐसी जानकारी है। और देखिए मुर्तजा के घर पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, सर्च ऑपरेशन घर पर लगातार चल रहा है और मुर्तजा के कमरे से कई संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं, ये जानकारी है। और मुर्तजा के घर से एक संदिग्ध को भी हिरासत में लिया गया है, उससे भी लगातार हो रही है पूछताछ। और मुर्तजा के घर आने जाने पर अब रोक लगा दी गई है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुर्तजा के पास से जो लैपटॉप मिला है उसमें से भी ये कहा जा रहा है कि कई जानकारियां मिली हैं, कई संदिग्ध चीजें मिली हैं और लैपटॉप में मेहमान नाम का एक फोल्डर भी मिला है अधिकारियों को। बैग से ये कहा जा रहा है कि अरबी भाषा की मजहबी किताब भी बरामद हुई है और इसके साथ ही जाकिर नाइक के कई वीडियोस भी मिले हुए हैं लैपटॉप में। इसके साथ ही ये भी खबर है कि कनेक्शन नेपाल से भी जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नेपाल के कई संदिग्धों से भी चैटिंग करता था मुर्तजा, जो कि मुख्य आरोपी है। रिमांड का दूसरा दिन है, अब देखिए कहां कहां से उसके तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस पर भी बारीकी से नजर है जांच एजेंसियों की और हर एक जानकारी को आधार मानते हुए आगे जांच को बढ़ाया जाएगा। बड़ी जानकारी है गोरखपुर से मुर्तजा को लेकर। एक और बड़ी खबर है, मुर्तजा ने पढ़ाई के दौरान सीरिया भेजा था पैसा, ये जानकारी है। और 2012 से 2015 के बीच पैसा भेजा गया था, ये बड़ी जानकारी आपके सामने मुर्तजा को लेकर है कि मुर्तजा ने पढ़ाई के दौरान सीरिया पैसा भेजा था 2012 से 2015 के बीच और नेपाली बैंक खातों से पैसा भेजा गया था सीरिया, ये बड़ी खबर आपके सामने है। मुर्तजा ने आईआईटी में पढ़ाई के दौरान ही 2012 से 2015 के बीच नेपाली बैंक खातों के माध्यम से सीरिया को रुपए भेजा था और 2020 से 21 में भी मुर्तजा ने सीरिया भेजे थे 8 लाख रुपए। ये बहुत अहम जानकारी आपको हम दे रहे हैं। 2017 में नौकरी छोड़ने के बाद मुर्तजा ने शुरू किया था कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने का काम और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने के दौरान ही मुर्तजा के मन में आने लगा कि वो जन्नत में है और अल्लाह उससे खफा है। बहुत ज्यादा सोचने पर मुर्तजा को लगा कि वो बीमार है और उसने डॉक्टर्स से भी संपर्क किया। डॉक्टर्स के मुताबिक मुर्तजा हाइपोमेनिया नाम की बीमारी का शिकार हो गया था। आईआईटी में एडमिशन के वक्त ही मुर्तजा का पासपोर्ट बनवाया गया था और 2015 में मुर्तजा अपने पिता के साथ उमरा करने गया था सऊदी, ये भी जानकारी है। और देखिए हर एक डिटेल कितनी अहम हो जाती है जांच की प्रक्रिया में। जनवरी 2020 में मुर्तजा हाईटेक कंप्यूटर कोडिंग का कोर्स शुरू करता था, उसने शुरू किया था 2020 जनवरी में और हाईटेक कंप्यूटर कोडिंग सीखने के दौरान ही मुर्तजा एक बार फिर से सीरिया के लोगों से संपर्क में आया और उनकी आर्थिक मदद उसने शुरू की। इसके बाद आईएसआईएस के लोगों ने मुर्तजा का माइंड वॉश करना शुरू किया, ब्रेन वॉश करना शुरू किया और उसके बाद अब देखिए हश्र क्या हुआ। अभी वो गिरफ्त में है, उससे पूछताछ लगातार हो रही है और आतंकी कनेक्शन तमाम मिल रहे हैं।
मुर्तजा पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा क्या है वो भी आपको बताते हैं कि मुर्तजा ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन आईएसआईएस को भेजी थी मोटी रकम और चार बैंक खातों से मुर्तजा ने आईएसआईएस को भेजी थी रकम, ये जानकारी है। और मुर्तजा पर कई दिन से नजर रख रही थी एटीएस की टीम, संदिग्ध गतिविधियों को वॉच कर रही थी एटीएस की टीम। शनिवार रात मुर्तजा को खोजते उसके घर पहुंची थी एटीएस की टीम और मुर्तजा के ना मिलने पर परिवार वालों से झूठ बोल करके जो एटीएस के अधिकारी थे वो वापस लौट गए थे, ये जानकारी। और जिसके बाद मुर्तजा ने जल्दबाजी में मंदिर पर हमला कर दिया, मुर्तजा छत और खाली जगह कर रहा था बंदूक चलाने की प्रैक्टिस, ये भी खबर है। और मुर्तजा के कमरे से एयरगन और छर्रे भी बरामद हुए हैं। गोरखनाथ थाने की पुलिस ने एटीएस को सौंपी एयरगन और छर्रे, ये बहुत बड़ी जानकारी आपके सामने है गोरखपुर मामले को लेकर। अब चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं गोरखपुर, वहां से हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी जुड़े हुए, वो हर एक बारीकी आप तक पहुंचा रहे हैं। विवेक देखिए, जो भी खुलासे हो रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं और आज भी ये कहा जा रहा है कि आज भी अलग अलग हिस्सों में ले जा करके पूछताछ भी होगी और इसके जरिए और एक जानकारी इकट्ठा की भी जाएगी। सबसे पहले इस पूरे मामले को लेकर बड़ी जो अपडेट है वो आप बताइएगा। देखिए दीपा, जिस तरह से जांच तेज होती जा रही है, मुर्तजा से जुड़े नए नए खुलासे रोज होते जा रहे हैं, हर पल, रोज नहीं कहूंगा हर पल होते जा रहे हैं। हर एक घंटे में कोई नई बात मुर्तजा के बारे में सामने आती है। इंटरोगेशन में जैसे जैसे वो चीज़ें बता रहा है, पहले तो बहुत सख्ती की लेकिन वो नहीं टूटा, और चूंकि मेंटली बहुत स्ट्रांग है, मानसिक रूप से बहुत मजबूत है, इसलिए पुलिस को, एटीएस को, सुरक्षा एजेंसियों को, एसटीएफ को वो गुमराह करता रहा लगातार। अब चूंकि वक्त बीत रहा है और उससे जुड़े तमाम साक्ष्य मिलते रहे हैं, इसलिए मुर्तजा को अपना मुंह खोलना पड़ रहा है। और हम इस समय मुर्तजा के ठीक घर के बाहर खड़े हैं। आप देखिए, ये मुर्तजा का पूरा जॉइंट फैमिली है, ये यहाँ पर उसके सारे परिवार के लोग रहते हैं, उसके बड़े अब्बा हैं वो रहते हैं और उनका अस्पताल भी अंदर चलता है। आप देखिए ताला लगा हुआ है इस मकान में, यहाँ पर अंदर परिसर में घुसने के लिए ये ताला लगा हुआ है, ताला बंद है, अंदर पुलिस बैठी हुई है, पुलिस निगरानी कर रही है पूरी तरह से, मकान के अंदर और बाहर कोई भी आने जाने वाला बिना इजाज़त के अंदर नहीं आ सकता। कल यहाँ पर पुलिस की टीम आई थी, एक बार शाम को आई थी और मुर्तजा के कमरे को सील करके वहाँ की तलाशी ली, वहाँ से कई दस्तावेज़ बरामद किए हैं, कई जो डिवाइसेस हैं वो बरामद किए हैं, पेन ड्राइव्स बरामद किए हैं और तमाम जो आपत्तिजनक साहित्य है अरबी भाषा में लिखा हुआ वो मिला है, वो भर कर ले गई है। उसके बाद रात में एटीएस की टीम आई और एटीएस की टीम ने यहाँ से एक सस्पेक्टेड को उठाया है अपने सामने, हम जो मीडिया है हमारे कैमरे के सामने ने वो उसको उठाकर ले गए हैं। और आप सामने का रास्ता देखिए, वहाँ पर पुलिस जीप खड़ी है, यानी इस रास्ते पे जितना भी आना जाना है पुलिस की निगहबानी है, निगरानी है। ये निगहबानी इसलिए है कि घर में कोई भी आए जाए तो उस पर नज़र रखी जाए। यही नज़र अगर इन लोगों ने पहले रखी होती पुलिस ने और सुरक्षा एजेंसियों ने, तो शायद गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने की मुर्तजा की हिम्मत नहीं होती। इसी मकान की छत पर मुर्तजा गोलियां चलाता था, एयर पिस्टल से शूटिंग करता था, प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन एटीएस को पता नहीं चला। इसी मकान में हमले से ठीक 24 घंटे पहले शनिवार रात को जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां हैं, उनके दो लोग आए थे जो लगातार मुर्तजा पे नज़र रख रहे थे, उसकी हरकतों को वॉच कर रहे थे। दो लोग आए थे और उसी समय उसको पकड़ना था, लेकिन उस समय मुर्तजा नहीं मिला और ये कहा जा रहा है कि वो एटीएस के लोग ही थे और चर्चा ये भी है कि वो आईबी के लोग थे, लेकिन यहाँ से दोनों निराश होकर लौट गए। और मुर्तजा के पिता ने, मुनीर ने, ये बात कही भी थी कि यहाँ पर एटीएस के लोग आए थे शनिवार रात और उस पर नज़र रखी जा रही है, मुर्तजा नहीं मिला तो वो बहाना बनाकर चले गए कि वो कुछ पैसे का लेन देन है, कुछ उसने लोन लिया है, इसलिए उन्होंने ये बताई। एटीएस के लोगों ने या आईबी के लोग जो भी आए थे उन्होंने ये बताया कि हम लोन के सिलसिले में आए हैं, कुछ 35 लाख रुपये का लेन देन है, उसी सिलसिले में आए हैं। लेकिन अगर उस रात मुर्तजा मिल जाता तो रविवार शाम, देर शाम हमला मंदिर पे ना होता। ये एटीएस या अन्य सुरक्षा एजेंसियां जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो भी उस पर निगरानी कर रही थी, नज़र रख रही थी, उनकी चूक का मामला है। आपको और दिखाते हैं, चूक इनसे हुई लगातार होती रही है। अगर ये हमला रोका जा सकता था, जिस तरह से लगातार वो नज़र रखे हुए थे मुर्तजा पे, उसकी एक एक गतियों को, गतिविधियां वॉच कर रहे थे, चूंकि इंटरनेट पे अगर आप कोई भी सामग्री देखते हैं, कोई भी वीडियो देखते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए संबंधित कंपनी को सूचना मिल जाती है। अगर आप कोई ऐड देखेंगे किसी मकान प्रॉपर्टी का ऐड देखेंगे, तो आपके पास उसी तरह के ऐड के नोटिफिकेशन आने लगते हैं, ऐड आने लगते हैं, और उसी के साथ ही अन्य एजेंसियाँ जो वॉच कर रही हैं उनको भी पता चल जाता है। तो मुर्तजा जो भी देख
देखता था वीडियो, जिस तरह के वीडियो देखता था, आईएसआईएस से संबंधित वीडियो देखता था, जो वार है, गुरिल्ला युद्ध है, उस शैली के वीडियो देखता था। इसके अलावा वो जाकिर नाइक के जो मुसलमानों का, अगर मुस्लिम संप्रदाय की बात करें तो उसको मोटिवेशनल, एक मोटिवेटर मानते हैं और मोटिवेशनल स्पीकर मानते हैं, लेकिन उसकी जो भाषण है वो भड़काऊ हैं, वो धर्म विशेष के प्रति एक नफरत पैदा करने वाले भाषण हैं, वो भी देखता था मुर्तजा। तो ऐसे लोगों पर नज़र रखते थे, ऐसे लोगों को वॉच करते थे, लेकिन उसको पकड़ने में नाकाम रहे और यही नाकामी हमले की वजह बनी। अब इस पर जो आगे कार्रवाई होगी वो बात अलग है, लेकिन मुर्तजा से जो पूछताछ में चीजें मिल रही है वो बहुत बिल्कुल और विवेक देखिए, विवेक परिवार वालों की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। जब वो प्रैक्टिस कर रहा होगा तब परिवार वालों को जाहिर सी बात है कि भनक लगती होगी, जब वो चैटिंग करता होगा, वीडियो देखता होगा, इसके बारे में भी परिवार वालों को ये कहा जा रहा है कि जानकारी होगी। उसके बावजूद भी जब पूछा जा रहा था तो शुरुआती तौर पर बताने से वो बच रहे थे, ये कहा गया कि मानसिक रूप से वो कमजोर है, कई तरह की बातें की गई। अब परिवार वाले भी जांच के दायरे में है। बहुत शुक्रिया आपका विवेक पूरी जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखेगा, जो भी अपडेट इस पूरे मामले पर वो दर्शकों को हम देंगे। अब आगे बढ़ जाते हैं, अखिलेश किस तरीके से जोर लगा रहे हैं एमएलसी चुनाव को लेकर उसकी बात कर लेते हैं। एमएलसी चुनाव को लेकर सपा ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। आज इसी क्रम में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज के दौरे पर रहने वाले हैं। वो एमएलसी चुनाव के तहत कन्नौज पार्टी ऑफिस पर बैठक करेंगे। और आपको हम ये भी बताएं कि इटावा फरुखाबाद एमएलसी क्षेत्र में ही कन्नौज, इटावा, औरैया, फरुखाबाद भी आता है। और वहीं चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल बरेली पहुंचेंगे। यहां वो जो भी देखेंगे उसकी रिपोर्ट सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सौंपेंगे। अखिलेश यादव ने सपा के सभी बड़े नेताओं को एमएलसी चुनाव का ऑब्जर्वर बनाया हुआ है। जो भी बड़े दिग्गज, जो कद रखते हैं पार्टी के भीतर, उनको ऑब्जर्वर बना दिया गया है। वो रिपोर्ट देंगे अखिलेश यादव को। अब विस्तार से आपको बताते हैं अखिलेश का एमएलसी चैलेंज क्या है। एमएलसी चुनाव के लिए मैदान में उतरेंगे अखिलेश यादव। कन्नौज में कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक करने वाले हैं। और हार के बाद अखिलेश का पहला कन्नौज का ये दौरा है। 9 अप्रैल को 27 सीट के लिए वोटिंग होनी है, एमएलसी चुनाव होने हैं। और 12 अप्रैल को एमएलसी चुनाव के नतीजे भी आप सभी के सामने होंगे। 9 सीट पर भाजपा की निर्विरोध जीत तय है और समाजवादी पार्टी की कोशिश कि ज्यादा से ज्यादा सीट हम जीतें, ये अखिलेश की भी कोशिश नजर आ रही है। उच्च सदन में बहुमत के लिए चुनाव बहुत अहम है। दोनों ही पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। बात आप भाजपा की कर लीजिए या फिर बात कर लीजिए समाजवादी पार्टी की। और अखिलेश विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये पहली मर्तबा है जब पहुंच रहे हैं कन्नौज, और कन्नौज में जाकर के वो किस तरीके से बैठक करते हैं और वहां पर जाकर के अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को किस तरीके से जीत का मंत्र देते हैं, ये अपने आप में अहम होगा। और इसी पर हमारे सहयोगी रतीश त्रिवेदी जुड़ चुके हैं कन्नौज से, सीधे उन्हीं के पास आपको ले चलते हैं। रतीश, वहां पर कितने बजे पहुंचेंगे अखिलेश यादव और क्या कुछ कार्यक्रम है, किस तरीके से अखिलेश के आगमन को लेकर तैयारी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता? बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव पर लगातार विपक्षी आरोप लगाते रहे हैं कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ने के लिए ही कुछ दिन पहले बाहर निकलते हैं और उसके बाद फिर से अपने घर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन अखिलेश यादव एमएलसी चुनाव को, यानी समाजवादी पार्टी एमएलसी चुनाव को काफ़ी ज़्यादा गंभीरता से ले रही है। दरअसल इटावा फरुखाबाद की सीट है जिस पर आज चर्चा होनी है, अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठ करके मंत्रणा करनी है कि कैसे चुनाव को ना सिर्फ लड़ा जाए बल्कि जीता जाए। 9 तारीख बेहद करीब है और इटावा फरुखाबाद की जो सीट है, इटावा गढ़ है समाजवादी पार्टी का, उनका घर है और यहाँ पर कम से कम लाज बचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो सीटों, जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है, 36 सीटों पर चुनाव हो रहा है, 9 पर बीजेपी वैसे भी निर्विरोध जीत चुकी है, निर्वाचित हो चुके हैं उसके एमएलसी, और अब उसके बाद जितनी सीटें बची हैं उन पर चुनाव 9 तारीख को होना है। इटावा फरुखाबाद और औरैया कन्नौज की ये सीट बेहद अहम कही जा सकती है, क्योंकि इटावा और कन्नौज क्षेत्र खुद अखिलेश यादव का है और कन्नौज से यहाँ से सांसद भी रहे हैं। आज कन्नौज के जो नेता हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि हार की समीक्षा, जो विधानसभा चुनाव में हार हुई है उसकी समीक्षा की जाएगी और एमएलसी चुनाव में किस रणनीति के तहत इस सीट को बचाया जाए और जीता जाए,
इस पर भी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया जाएगा। साथ ही जो ग्राम प्रधान है, क्षेत्र पंचायत सदस्य है, जिला पंचायत सदस्य हैं, उन सब से भी वार्ता करते हुए आगे की रणनीति और माहौल क्या चल रहा है, जमीनी हकीकत क्या है, उसको जानने की कोशिश होगी। हरीश यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से MLC स्थानीय निकाय चुनाव के प्रत्याशी हैं, तो प्रांशु दत्त द्विवेदी जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको BJP ने उतारा है। तो कॉन्टेस्ट काफ़ी, मुकाबला काफ़ी कड़ा है, लेकिन जोर पूरी तरीके से लगाया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि किसी तरीके से कुछ सीटों को जीत लिया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट पर ऐसी रणनीति बनाकर तब्दील हो पाएगी या फिर नहीं, इस पर लगातार नजर है। और इसीलिए वहां पर जोश भरने के लिए अखिलेश यादव खुद पहुंच रहे हैं, जीत का मंत्र भी वो देंगे कार्यकर्ताओं को। कोई भी कोर कसर ना रहे, यह अखिलेश की पूरी कोशिश है MLC चुनाव को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका रतीश पूरी जानकारी विस्तार से देने के लिए। और इसी के साथ ही एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। बाय इको प्लस सीमेंट एंड स्टील, लगाइए खुशियों को घर लाइए। खास खबर प्रेजेंटेड बाय जो आपकी जिंदगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कमल के कल्याण संकल्प की। आज भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस है। भाजपा ध्वजारोहण, शोभा यात्रा और PM का संबोधन सुनकर स्थापना दिवस मनाएगी। सुबह 10 बजे PM मोदी का संबोधन शुरू होगा और इस संबोधन को भाजपा के कार्यकर्ता अलग अलग जगहों से सुनेंगे। आज भाजपा के कार्यकर्ता अपने घरों में पार्टी का झंडा लगाएंगे। जिला और मंडल स्तर पर तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही साथ आज भाजपा स्थापना दिवस के जरिए दलितों से कनेक्ट करने की भी कोशिश करेगी। आज से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती, 14 अप्रैल तक भाजपा समरसता सप्ताह मनाएगी और इस दौरान सेवा के तमाम कार्य किए जाएंगे। इसके अंतर्गत रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे, स्वच्छता अभियान चलेगा, अस्पतालों में फल वितरण का कार्य होगा। और वही आज संसद में भाजपा के सभी नेता आपको भगवा टोपी में नजर आएंगे। और PM मोदी को लेकर भी जानकारी है कि आज भगवा टोपी में प्रधानमंत्री मोदी भी आपको दिखाई देंगे। किस तरीके से 42वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा भारतीय जनता पार्टी का, उससे जुड़ी हुई ये पूरी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। ध्वजारोहण और शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। अलग अलग हिस्सों में तमाम कार्यकर्ता अपने अपने स्तर पर सेलिब्रेशन करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे आज के इस खास दिन को। और फिर सुबह 10 बजे देखिए PM का संबोधन होने वाला है और अलग अलग हिस्सों से कार्यकर्ता PM मोदी का संबोधन सुनेंगे। PM किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं, उनसे संवाद करते हैं, इस पर भी लगातार नजर होगी। बड़ी जानकारी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि को मजबूत करेगी भाजपा, ये बड़ी खबर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि को मजबूत करने की कोशिश भाजपा करेगी। आज से शुरू हो रहा है भाजपा को जानिए कार्यक्रम और दूसरे देशों के प्रतिनिधियों से भाजपा अध्यक्ष संवाद करते हुए नजर आएंगे। अब कमल का कल्याण संकल्प है क्या, विस्तार से आप जान लीजिए। आज भाजपा का 42वां स्थापना दिवस है, आज का दिन बहुत खास है। यूपी में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन होगा और जिला स्तर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम है, साथ में शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। और शोभा यात्रा के समापन पर सुबह 10 बजे PM का संबोधन भी होने वाला है और मंडल स्तर पर LED स्क्रीन से PM को सुनेंगे तमाम कार्यकर्ता अलग अलग हिस्सों पर। प्रदेश भाजपा कार्यालय पर सुबह 9 बजे ध्वजारोहण होगा और ध्वजारोहण में CM योगी समेत कई दिग्गज शामिल होंगे। अपने घरों पर पार्टी का झंडा फहराएंगे भाजपा के तमाम कार्यकर्ता, ऐसी जानकारी है। और देखिए, दिल्ली में 6 अप्रैल 1980 को हुई थी भाजपा की स्थापना और आज 42वां स्थापना दिवस है। इसी पर विस्तार से जानकारी लेते हैं, हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास आपको ले चलते हैं। अनुभव, क्या जानकारी है वहां पर, किस तरीके से कार्यक्रमों की शुरुआत होगी और किस तरीके से आज के दिन को सेलिब्रेट किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो जरा बताएं। देखिए, बिल्कुल 42वां स्थापना दिवस है और बहुत भव्य तैयारी की गई है इस स्थापना दिवस को मनाने के लिए। 8:55 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुँच जाएंगे पार्टी कार्यालय पर और ये जो पार्टी का झंडा है, ध्वजारोहण होगा और उसके बाद शोभा यात्रा निकलेगी जिसमें खुद मुख्यमंत्री शामिल होंगे, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह शामिल होंगे, उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे। और एक हमें बदलाव भी नज़र आ रहा है, देखिए ये तस्वीर जो लगाई गई है स्थापना दिवस 6 अप्रैल, इसमें अब ब्रजेश पाठक जो डिप्टी CM बनाए गए उनकी तस्वीर है, दिनेश शर्मा की तस्वीर अब नहीं है। तो ये सभी लोग यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ से जो शोभा यात्रा निकलेगी वो हजरतगंज तक जाएगी, गांधी प्रतिमा तक जाएगी और वहाँ से फिर वापस आएंगे। और ये जो अंदर हॉल है
यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन होगा उसे सभी लोग सुनेंगे, मुख्यमंत्री भी सुनेंगे, तमाम सारे लोग भी सुनेंगे। और यहाँ देखिए जितने भी कार्यकर्ता हैं सबने भगवा टोपी, जो पार्टी की टोपी है, बीजेपी लिखा हुआ है, वो सबने लगाई हुई है। सबके हाथ में आपको तख्तियाँ भी नजर आ रही होंगी, सबका साथ सबका विकास, इस तरह के कुछ स्लोगन जो हैं वो लिखे हुए हैं यहाँ पर। अब देखिए सुरक्षा व्यवस्था भी काफ़ी पुख्ता हो गई क्योंकि थोड़ी देर में मुख्यमंत्री को आना है। तो ये सारा कार्यक्रम है और ये देखिए एक हफ्ते तक चलेगा। अगर आप देखें तो 6 तारीख से शुरू होकर 14 अप्रैल यानी भीमराव अंबेडकर की जो जयंती उस दिन तक चलेगा। और इसे पूरा अगर हम कहें तो बीजेपी ने नाम दिया सामाजिक समरसता सप्ताह मनाएगी। यानी एक तरफ तो स्थापना दिवस है ही, स्थापना दिवस के तहत तमाम सारे कार्यक्रम हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए कि इसे 6 तारीख से लेकर 14 अप्रैल तक मनाने के पीछे कहीं ना कहीं किस तरीके से दलित समाज को भी साथ में जोड़ा जाए, उनको भी अपने साथ रखा जाए, ये भी एक हम कहें तो ये भी हमें एक मैसेज दिख रहा है इसके पीछे। और जो सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उन सभी लोगों को जो भी पार्टी के कार्यक्रम होंगे इस दौरान उसमें शामिल होना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुभव आपका पूरी जानकारी विस्तार से देने के लिए और वहां की तस्वीरें भी दिखाने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में भाजपा किस तरीके से आज के दिन को सेलिब्रेट करेगी और 14 अप्रैल तक ये सेलिब्रेशन चलता रहेगा, उसके बारे में अनुभव ने पूरी जानकारी आपको विस्तार से दी है।